नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, संपादक घमासान.com। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी अदाकारा और लेखिका नेहा शरद जी, जो कि शरद जोशी जी, जो देश के जाने माने व्यंगकार रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर से उनका गहरा रिश्ता रहा है, इंदौर के रूप रामनगर में उनका निवास रहा है। तो नेहा जी का इंदौर से भी बड़ा गहरा रिश्ता है, उस नाते नेहा जी यहाँ साहित्य समागम में भाग लेने के लिए आई हैं, और हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें यह कार्यक्रम कैसा लगा। वामा मंच और घमासान आपके जो संस्था है, आप लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है महिलाओं के लिए, जिसमें कि बहुत ही अलग अलग प्रदेशों से महिलाएं आईं और उन्होंने लघु कथा पे भी बात की, कविताओं पे भी बात की, कहानियों पे भी बात की, और जो हमारा एक विषय था कि हम अपने पिता के बारे में बात करें, उनके लेखन के बारे में बात करें, और अच्छी कथाकार यहाँ जमा थीं, अचला जी यहाँ पर थीं, सुधा अरोड़ा जी यहाँ पर थीं, तो ये सब सारा कार्यक्रम जो मुझे लगता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत ज़रूरी काम है कि हम महिला जो लेखिकाएँ हैं आपस में मिलें, जुड़ें, सुने एक दूसरे को, और हमें पता लगता रहा है कि दूसरे प्रांतों में इस समय क्या हो रहा है, किस तरह का कर रहे हैं। तो मैं इंदौर शहर में आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके लिए मैं इंदौर शहर को और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ जी। आपकी कई यादें बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनसे जुड़ी कुछ बातें आप शेयर करिए। मैंने थोड़ा काम जल्दी शुरू कर दिया था, मैं 12th क्लास में थी तभी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इप्टा से मिल गया था, और इप्टा से ही मुझे बहुत सारी सीरियल्स और टेलीविज़न में काम मेरा शुरुआत हो गई थी, और किस्मत कुछ ऐसी थी कि उन्हीं दोनों प्राइवेट चैनल भी शुरू हो गए थे तो काम लगातार मिलता चला गया। 30 से अधिक मैंने सीरियल की और बहुत अच्छे किरदार मिले, और थोड़ा मध्य प्रदेश की थी इसलिए हिंदी बहुत साफ थी तो मुझे बड़ी आसानी रही काम करने में, और एक बहुत अच्छा अनुभव रहा इंडस्ट्री में, बहुत खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई और एक अच्छा समय बिताया मैंने, और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। शरद भाई ने भी काफ़ी साहित्य के साथ साथ बॉलीवुड के लिए काफ़ी उन्होंने योगदान दिया है, उसकी भी थोड़ी सी आप चर्चा। हिंदुस्तान की पहली माइलस्टोन सिटकॉम सीरियल लिखने का श्रेय शरद जी को जाता है। ये जो है जिंदगी, और उसके एक एक डायलॉग बच्चे बच्चों की ज़ुबान पे थे, और एक समय का बड़ा मशहूर धारावाहिक रहा वो, और फिर उसके बाद वहाँ जनाब एक सीरियल आया करता था, शेखर सुमन जी वगैरह थे उसमें, और कई और सीरियल्स थी, सिंहासन 32 थी, विक्रम और बेताल थे। तो शरद जी की लेखनी की वजह से एक टेलीविज़न में उस समय लोगों को संवाद याद हो जाते थे, उसके कैरेक्टर, उसके पात्र याद हो जाते थे, तो उनकी वो तैयारी थी उस ढंग से कि वो टेलीविज़न के लिए काम करें, वो फिल्म्स के लिए काम करें, चाहे वो दिल है कि मानता नहीं हो, लोगों को आज भी उसके संवाद याद हैं। उसके मुझे अभी एक लड़की मिली थी, वो पूरे उनको कहानी याद है और वो कन्वर्स करती रही पूरे वक्त मेरे साथ उसी अंदाज में और फिर उसके अलावा उत्सव फिल्म बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो, और छोटी सी बात एक लिखी थी, उसके भी संवाद लोगों ने बहुत पसंद किए। तो शरद जी ने भी एक बहुत साहित्य लिखने के बावजूद, लगातार अखबारों के लिए कॉलम लिखने के बावजूद इतना समय निकाल लिया कि कुछ अच्छी फिल्में और धारावाहिक देश को दी। आपने कविता भी सुनाई थी जी? नहीं, हमने कहा यहाँ ऐसा माहौल है तो हम उसका जिक्र करें यहाँ कार्यक्रम में। तो मेरी कविताओं की किताब आई है खुदा से खुद पर, बशीर बद्र साहब ने उसका प्रीफेस लिखा है, तो उसकी एक कविता मैं सुनाती हूँ कि हाँ हाँ ये ठीक है कि ये हवा है जो बहती है बिना कोई नागा किए हुए, सूरज भी सुबह आता है और शाम ढले घर को लौट जाता है, खुला आसमां है, हरा भरा जहाँ भी है, फिर भी तो मेरे बैंक का कर्ज माफ करा दे, मेरे लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दे, अपने हाथों से जो गुत्थियाँ उलझाई हैं मैंने इन्हें सुलझा दे, तो फिर मैं मानूं कि हाँ तू है, तेरा भी वजूद है। क्या बात,
थोड़ा सा मैं ये भी अभी आपने शरद जी से जुड़ी बहुत सी यादें यहाँ पर बताई थी जी, और किस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, तो उसी परम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जो योगदान आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा बताइए। शरद जी ने साहित्य के लिए, देश के लिए और आम आदमी के लिए लगातार लिखा है। तो उनके 4,500 लेख थे जब वो गए हमारे सामने, उनका बहुत सा अप्रकाशित काम था, तो उसको सबको समेटना, सहेजना, और लगातार देश भर में शरद जी के लिए कार्यक्रम हो रहे थे। अभी पिछले महीने तक शरद जी के नाटक मुंबई में भी खेले गए, अभी भोपाल में परसों में एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ बच्चों ने ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कोई मैनेजमेंट ग्रुप है, उन्होंने शरद जी की कहानियाँ की। तो शरद जी के लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, उनके देश विदेशों में कार्यक्रम होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आज भी दिन के 2 घंटे का काम मेरा शरद जी का है। तो उसमें हम लोग शरद संध्या नाम से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें सारे एक्टर्स आते हैं, मुंबई इंडस्ट्री के काफ़ी एक्टर्स आते हैं, और उसमें राइटर्स आते हैं, उसमें जर्नलिस्ट आते हैं, और सब शरद जी की रचनाएं पढ़ते हैं। तो एक पुरस्कार भी उनके नाम से शुरू किया है, जिस पहला जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था, और दूसरा सुशील सिद्धार्थ जी को अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में हमने एक कार्यक्रम किया था जी। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा, अशोक चक्रधर जी थे उसमें, सुरेंद्र शर्मा जी थे उसमें कार्यक्रम में, वेद प्रताप वैदिक जी आए थे, उनके हाथों सम्मान दिया गया। तो शरद जी के साथ बहुत सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, इंदौर शहर की बहुत स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, गली गली में, और इतने मित्र थे, कंसल साहब शरद जी के मित्र थे, चिंचालकर साहब थे, विष्णु जी थे, फिर राजेंद्र माथुर जी उनका परिवार था, प्रभाष जोशी जी थे जी। तो एक बहुत अच्छा स्वर्णिम युग था, और वो बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने देश के लिए, उनकी जो इंटेंशंस थे और उनके जो जीवन के उद्देश्य थे, बहुत सही ढंग से सोच विचार के उन्होंने काम की और लेखनी की। तो इंदौर शहर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भोपाल शहर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, शरद जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ जो लिखा है वो इसी प्रदेश में लिखा है जी। शरद जी ने एक व्यंग को मंच पर बोलने की शैली विकसित की जो बहुत चर्चित हुई जी, और संभवतः वो पहले ऐसे व्यंगकार थे जिनको कविता, व्यंग कविता की तरह, व्यंग कविता से भी ज्यादा सुना जाता था। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? मैं, शरद जी ने व्यंग को मंच पे स्थान दिया, कवि सम्मेलन के मंच पे, जहाँ कविताएं ही पढ़ी जाती थी वहाँ पे उन्होंने व्यंग, और आज भी लोग व्यंग अगर पढ़ते हैं मंच पे खड़े होके और लोग उसको सुनते हैं, उसका श्रेय शरद जी को जाता है, क्योंकि वो एक जगह उन्होंने निर्माण कर दी है। तो वर्षों तक, 30-35 वर्षों तक लगातार उनके जो है कवि सम्मेलन रहे, बड़े हिट कार्यक्रम उन्होंने देश भर में किए। तो मैं शरद जी के लेख पढ़ती हूँ और अपनी कविताएँ पढ़ती हूँ, तो मैं देश विदेश में जाके ये कार्यक्रम कर चुकी हूँ, और इसमें उनको चाहने वाले हर जगह हैं, विदेशों में भी बहुत शरद जी को चाहने वाले हैं, तो बड़ा मज़ा लेते हैं लोग, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक से एक पंक्तियाँ उनकी, और खूब हिट होते हैं कार्यक्रम, और उतनी शिद्दत से लोग आज उनको याद करते हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।